नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? बिल्कुल एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, मास्टरमाइंड ऑफ साइंस केएल स्वामी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, केएल स्वामी इंस्टीट्यूट चैनल पे आपको बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी मिल रही है। दोस्तों, ये जो हम कंटेंट आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, बहुत ही यूनिक लेवल पर और कॉन्सेप्चुअल कंटेंट है। दोस्तों, अगर आप किसी वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं और आप अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं आगामी दिनों में चल के कॉन्सेप्चुअल स्टडी के बेसिस पे आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आज जो हमारा लेक्चर रहेगा, फिजिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहेगा जिसका नाम है ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी। तो आज हम उस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आइए भी इस यात्रा को हम शुरू करें। प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स, दोस्तों याद रखिए, हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे एक बड़ी वजह होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार पूरी साल भर आप मस्ती करते थे स्कूल के दिनों में, लेकिन एग्जाम के दिनों में जब आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर होता था तो आप बहुत ज्यादा पढ़ते थे। ऐसा ही दोस्तों, अगर मान लो एक बहुत कमजोर और मतलब दुबला पतला लड़का है, वो हर किसी से भले ही डरता हो, लेकिन जब उसकी पेरेंट्स की किसी और से लड़ाई हो जाती है तो वही लड़का अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस करने वाला लगता है, क्योंकि एक वजह होती है उसके पास। दोस्तों, आपके पास भी वजह है। आगामी दिनों में भरपूर वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप लोग सेलेक्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, हर सब्जेक्ट को सुप्रीम लेवल तक पढ़िए, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके और इस कंपटीशन के, इस प्रतियोगिता के महायुग में अपने आप को मेरिट लिस्ट में आप ला सके। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है ऑप्टिक्स, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स में दोस्तों, हम यहां से बात करें, हम प्रकाश, प्रकाश के गुणों, विभिन्न प्रकाशिक घटनाओं के बारे में, विभिन्न प्रकाशिक घटनाओं के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, विभिन्न प्रकाशिक घटनाएं कौन कौन सी? विभिन्न प्रकाशिक घटनाएं जैसे परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, आपने सुना होगा परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, बहुत सारी घटनाएं हैं, उनको हम देखेंगे। आदि के बारे में अध्ययन। तो दोस्तों, हम यहां से कह सकते हैं प्रकाशिकी क्या है, जो प्रकाश है, प्रकाश का गुण क्या है, प्रकाश का कहीं ना कहीं हम बात करें प्रकृति कैसी होती है, प्रकाशिक घटनाएं कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसको ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी कहा जाता है। अब बात आती है कि भी प्रकाश का अध्ययन तो किया जाता है, ठीक है, यहां से हम बात करें, लेकिन ये खुद प्रकाश क्या होता है, व्हाट इज लाइट? दोस्तों, हम यहां से देखेंगे कि खुद जो प्रकाश होता है ये क्या है। अभी हम बात करें प्रकाश की, हम बात करें क्या है प्रकाश आखिर। तो दोस्तों, सुनना यहां से, प्रकाश कोई बड़ी तोप या बला नहीं है, प्रकाश कहीं ना कहीं एक एनर्जी है, प्रकाश एक ऊर्जा है। तो दोस्तों, हम यहां से बात करेंगे, प्रकाश एक ऊर्जा है, और कौन सी ऊर्जा है? दोस्तों, वो ऊर्जा जो हमें चीजों को दिखाने में मदद करती है। हम अगर किसी चीज को देख पाते हैं तो इसी एनर्जी की वजह से हम देख पाते हैं। तो हम यहां से बात करेंगे, तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की क्या है भाई, ऊर्जा है, एक प्रकार की क्या है भाई, ऊर्जा है, ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने में हमारी मदद करती है, जो देखने में हमारी मदद करती है, या इसकी वजह से क्या कर पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं, इसकी वजह से वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है भाई, ये बात हम।
अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं, इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों क्या होता है, ये जो प्रकाश ऊर्जा जो है, ये प्रकाश ऊर्जा हमारी आंखों पर एक संवेदना प्रकट करती है दोस्तों, कहीं ना कहीं हम यहां से बात करें उद्दीपन प्रकट करती है, और इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं वस्तुओं को देख पाते हैं। लेकिन सुनना भाई, वस्तुओं को देखने के लिए हमारी आंख तक प्रकाश का आना जरूरी है, चाहे वो वस्तु से टकरा कर आए, चाहे वो किसी स्रोत से आए, ये सब हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों ये प्रकाश ऊर्जा हमारी आंखों पर क्या पैदा करती है, संवेदना प्रकट करती है। प्रकाश ऊर्जा आंखों पर संवेदना प्रकट करती है, संवेदना प्रकट करती है, डन है। तो दोस्तों ये बात अपन ने यहां से की, बिल्कुल पूरी बात हम करेंगे कि वस्तु को हम देख कैसे पाते हैं, परावर्तन की घटना कैसे रोल प्ले करती है, सारी बात करेंगे। लेकिन वन बाई वन हम बात करते हुए चलेंगे, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है भी। चलो अब दोस्तों दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई ठीक है, इस हम प्रकाश ऊर्जा की हम बात करना चाहें, यहां से देखना भाई दोस्तों, ये जो ऊर्जा है, याद रखना इस ब्रह्मांड में केवल दो चीजें होती हैं, एक होता है पदार्थ और एक होती है ऊर्जा। तो दोस्तों ऊर्जा क्या है और पदार्थ क्या है, मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूं। यहां से मैं बात करूं दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी वो चीज, इस दुनिया में कोई भी वो चीज जिसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, भले ही ये मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, मास है, भले ही मैं हूं तो मेरा भी क्या है, भी मास है दोस्तों, आप हो, टेबल है, बुक है, तो हम यहां से बात करेंगे कोई भी वो चीज जिसका द्रव्यमान होता हो। तो हमने बात की भाई क्या होता है, भाई द्रव्यमान होता है, और दोस्तों उसका क्या होता है, आयतन होता है। मतलब द्रव्यमान हो और आयतन हो तो उसको क्या बोला जाता है, पदार्थ बोला जाता है। इज इट क्लियर और नो? और यहां से हम बात करें जिसका द्रव्यमान नहीं होता हो, द्रव्यमान नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं, हम ऊर्जा बोलते हैं, यू नो। हाँ, जैसे हम बात करें, आप लोग गांव में बोलते हैं भाई छाया है वहां पे, तो वो जो आप बोलते हो ना भूतनी वगैरह, तो वो दोस्तों क्या है भाई, छाया, जिसको आप लोग बोलते हो वो ऊर्जा है। हाँ सुनना भाई यहाँ पे, अब ऊर्जा की हम बात करें भी इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता, इसी वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं हम बात करें प्रकाश किन से, जैसे फोटोन से मिलके बना है, तो फोटोन का कोई द्रव्यमान नहीं होता, फोटोन का द्रव्यमान नहीं होता, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, डन है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है फोटोन नाम क्यों रखा गया, तो याद रखना फोटो, फोटो का अर्थ क्या होता है, लाइट, फोटो का अर्थ क्या होता है, लाइट, प्रकाश। फोटो किसके लिए स्टैंडर्ड वर्ड है, प्रकाश के लिए काम में लिया जाता है, इसी वजह से दोस्तों एक वर्ड है फोटोमीटर, क्या वर्ड है, फोटोमीटर, मतलब प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र, प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र। इज इट क्लियर और नो? तो ये बात हम यहां से कर सकते हैं। फिर हमने देखो फोटो जो वर्ड आता है वो उसी से क्या बना, जैसे फोटोन, ऐसे ही हम बात करें फोटोमीटर, प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र होता है। और एक बात और मैं आपको यहां से बता देता हूं दोस्तों, तीव्रता, तीव्रता का अर्थ होता है एक प्रकार से चमक। हम बात करें यहां से कि भाई किसी चीज में कितनी चमक है, वो उसको क्या बोलेंगे, हम तीव्रता बोल सकते हैं। तो याद रखना अगर यहां से हम बात करना चाहें तीव्रता की, तीव्रता तो एक प्रकार की क्या होगी, चमक की हम बात कर सकते हैं, डन है। और दोस्तों तीव्रता, चमक को मापने का वैसे जो यूनिट होती है, मात्रक क्या होता है, मात्रक उसका होता है कहीं ना कहीं कैंडेला। आपने देखा होगा ज्योति तीव्रता, चमक ही है वो भी एक प्रकार की, उसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, ऐसा ही मात्रक यहां से हम बात कर सकते हैं। अरे डन है क्या, तीव्रता की, चमक की बात हो रही है, डन है भाई। ये बात हमने यहां से की कि भाई क्या है प्रकाश, किस प्रकार की एनर्जी है, क्या नहीं है, ये बात हमने यहां से की। चलो भाई ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई आप सब लोग। दोस्तों अब हम यहां से बात करेंगे, आखिर ये जो एनर्जी है, ये जो प्रकाश, जो ऊर्जा है, ये कहां से आती है, कहां से नहीं आती, क्या इसके स्रोत हैं और क्या इसके स्रोत नहीं है, इन चीजों के बारे में हम यहां से चर्चा करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहां से हम बात करना चाहें
प्रकाश के स्रोत, दोस्तों वैसे तो याद रखना इस प्रकृति में जो ऊर्जा का जो सबसे समृद्ध जो स्रोत है, इस पूरी नेचर में जो एनर्जी का सबसे समृद्ध स्रोत है कौन है, सूर्य है। तो दोस्तों ये बात तो हम यहां से कर ही सकते हैं, लेकिन देखिए यहां से हम कुछ डिफाइन करेंगे अलग अलग कैटेगरीज में इनको। एक होता है दीप्तिशील स्रोत, इसको बोलेंगे ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनियस सोर्स, यहां से हम बात कर सकते हैं ल्यूमिनियस। और एक होगा दोस्तों यहां से हम बोलें नॉन ल्यूमिनियस, क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनियस, जिसको क्या बोल सकते हैं, अदीप्तिशील बोल सकते हैं। डन है, चलो भाई देखते हैं हम यहां से। दोस्तों यहां से याद क्या रखना है, दीप्तिशील का अर्थ क्या होता है, जो खुद प्रकाश पैदा करे, ठीक है, जहां से प्रकाश उत्पन्न हो, तो यहां से प्रकाश उत्पन्न होता है, ये बात हम यहां से कर सकते हैं। प्रकाश उत्पन्न, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये स्वयं का प्रकाश नहीं होता, दूसरे का प्रकाश लौटा है। इसको क्या बोलते हैं, अदीप्तिशील। जैसा हम यहां पे बात कर सकते हैं, प्रकाश जो खुद का प्रकाश कौन कौन उत्पन्न करता है, देखो प्राइमरी सोर्स जैसे हमने बात की थी, क्या भी सूर्य है, मोमबत्ती है, यहां से बात कर सकते हैं, और किसकी बात कर सकते हैं, जैसे तो हम यहां से बल्ब है, ट्यूबलाइट है, जुगनू है, ये क्या है, हम बात कर सकते हैं फायरफ्लाई। दूसरों के प्रकाश से कौन कौन चमकता है, आपको जाहिर सी बात है बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा खुद के प्रकाश से नहीं चमकता, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकता है। इज इट क्लियर ऑन। अन्य जो भी है हम बात कर सकते हैं, अन्य ग्रह उपग्रह है, किताब है, कुछ भी जो भी है, टेबल है, ऐसी कई चीजें जो दोस्तों खुद के प्रकाश से नहीं चमक रही है, उनके ऊपर प्रकाश आ रहा है तो उसको लौटा रही है, ठीक है। तो ये बात हम कर सकते हैं, प्रकाश के स्रोतों की भी हम बात कर सकते हैं। अरे डन है क्या, तो ये बातें हमने यहां से की, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई इसका। चलो तो अब हम यहां से बात करेंगे प्रकाश के अन्य गुणों के बारे में, देखेंगे कि क्या क्या नेचर होती है प्रकाश की, ये एनर्जी जो है ये किस प्रकार की एनर्जी है, किससे मिलके बनी है, किससे मिलके नहीं बनी, इन सब चीजों को हम यहां से कंसीडर करते हैं। चलो भाई देखते हैं। प्रकाश की प्रकृति एवं सिद्धांत, दोस्तों सुनना भी, एक वैज्ञानिक थे भाई न्यूटन बाबा, कौन भाई, न्यूटन बाबा, तो उन्होंने क्या बोला, कण प्रकृति कहा, क्या कहा, कण प्रकृति कहा कि पार्टिकल नेचर होती है, क्या बोला उन्होंने कि पार्टिकल नेचर होती है, कैसे भी कि मतलब जो प्रकाश जो ऊर्जा है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। ये बात किसने कही, न्यूटन ने कही, न्यूटन ने कही। अब दोस्तों प्रकाश अगर छोटे छोटे कणों से मिलके बना है तो इससे प्रकाश की कुछ घटनाओं को समझाया जा सका, जैसे प्रकाश की कुछ घटनाएं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे बात करना चाहें, एग्जाम्पल के तौर पे प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोस्तों क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे हम यहां से बात करें कि किसी धातु की सतह पे जब ये प्रकाश डाला जाता है,
जैसे मान लो हमने बात कर ली सीजीएम हो गया, इसके ऊपर प्रकाश डाला जाता है, तो यहां से ऐसे जब प्रकाश डाला जाता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और विद्युत धारा का क्या होने लगता है, प्रवाह होने लगता है। ये बात हम जैसे बताना चाहें तो हम यहां से बात करेंगे तो इस घटना को किससे समझाया जा सका, जैसे तो प्रकाश क्या है, कण है। अरे जैसे किसी चीज से फेंक फेंक के मारा जा रहा है तो प्रकाश को क्या मान लिया, कण। ऐसे ही हम बात करें जैसे परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, इन चीजों को किससे बताया गया, हम बात करें हम जो कणीय प्रकृति से बताया गया, डन है। ऐसे ही दोस्तों अलग अलग वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपनी अपनी बात कही, देखते हैं कौन कौन सा वैज्ञानिक जिसने क्या क्या कहा, उसको हम यहां से कंसिडर करते हुए चलते हैं। दूसरा जो सिद्धांत दूसरे में बोला गया कि भाई क्या है, प्रकाश तो एक तरंग है, एक वेव है, तरंग है एक वेव है। चलो भाई देखते हैं तरंग बात किसने कही। दोस्तों तरंग की बात कही वर्नर हाइजेनबर्ग ने कही, किसने भी, हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग ने कही, ठीक है। इन सिद्धांतों को आपको याद रखना है, कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपसे। अब इन्होंने जो तरंग सिद्धांत कहा, इन्होंने क्या कहा कि प्रकाश जो है तरंग से मिलके बना होता है, कहीं ना कहीं प्रकाश ऊर्जा क्या है भाई, तरंग है, एक प्रकार की तरंगों से मिलके बनी है। चलो भाई ठीक है, तो हम यहां से बात करें इस घटना से भी क्या समझाया गया, कुछ चीजों को समझाया गया, डिफाइन किया गया, देखते हैं। इस प्रकृति से, तरंग प्रकृति से, जैसे हम यहां से बात करें क्या, विवर्तन, विवर्तन हो गया, व्यतिकरण, द्रुहण, ऐसे कुछ गुण हैं जिनको समझाया जा सका। दोस्तों अलग अलग चीजों को हम बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे कि कैसे विवर्तन क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है। यहां पे केवल आप थोड़ा थोड़ा याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है, जब आप सीख लेंगे पूरा तो आपको पता लग जाएगा कि यार तरंग सिद्धांत से इन चीजों को कैसे समझाया जा सका, ठीक है भी। हाँ चलो भाई यहां से हम बात करते हैं और कौन कौन सा पार्टिकल रहा। लो भाई जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है स्क्रीनशॉट ले ले, वैसे भी यहां से थोड़ा खुला खुला लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे ही हम बात करें। चलो भाई एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या कहा कि प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, ड्वेल नेचर का होता है, द्वैत प्रकृति का, ड्वेल नेचर का मतलब कि प्रकाश कण भी होता है और तरंग भी होता है। यह बात कही गई भी क्या कि प्रकाश कण भी होता है और तरंग भी होता है, दोनों ही नेचर का होता है प्रकाश। ये बात किसने कही, कहीं ना कहीं यहां से हम बात करें डी ब्रोगली ने, किसने भी, डी ब्रोगली नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या कहा, प्रकाश कण और तरंग दोनों प्रकार का होता है, डी ब्रोगली ने कहा। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि भी प्रकाश निम्न में से, प्रकाश देखिए भी निम्न में से प्रकाश ऊर्जा के लिए सही है, और ऐसे ऑप्शन आ जाएं, कणीय प्रकृति, तरंग प्रकृति, ओ माय गॉड, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, और फोर्थ ऑप्शन आ जाए नन। तो दोस्तों यहां से आपको करना पड़ेगा, अगर प्रकाश ऊर्जा के लिए सही बात आपसे पूछी जाए तो दोस्तों देखो कण भी होता है और तरंग भी होता है, यहां तक हम बात करें तो जो सही, ज्यादा सही आंसर क्या चला जाएगा कि कहीं ना कहीं द्वैत प्रकृति का चला जाएगा, और ये बात किसने की थी, डी ब्रोगली ने की थी, डन है भाई। चलो और साइंटिस्ट आए जो प्रकाश को और ज्यादा डिफाइन करना चाहते थे, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। यहां पर एक वैज्ञानिक आए मैक्स प्लांक, क्या था, मैक्स प्लांक, क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, मैक्स प्लांक ने दिया भाई। क्या कहा इन्होंने, मैक्स प्लांक ने क्या बोला कि जो प्रकाश होता है ये छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में होता है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। क्या बोला इन्होंने, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं,
या बंडल हम बात कर सकते हैं, और इनको हम बात करें यहां से, इनको क्या बोल दिया, क्वांटा, क्या बोल दिया, क्वांटा कह दिया। देखते हैं, उन्होंने कहा कि जो प्रकाश होता है ये सतत रूप से तरंग के रूप में ना चल के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है। उन्होंने बोला कि भाई जैसे यहां से बात करें ऐसे ऐसे चलता है प्रकाश, छोटे छोटे क्वांटा या बंडल, और इन्हीं क्वांटा को क्या बोला जाता है भाई, फोटोन भी कहा जाता है। ये बात हम यहां से कर सकते हैं, ठीक है, कि जो प्रकाश जो ऊर्जा है ये छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में होती है, जिनको क्या बोल दिया उन्होंने, क्वांटा। तो याद रखना, क्वांटम थ्योरी किसने दी थी, मैक्स प्लैंक ने दी थी। ऐसे ही एक सिद्धांत दिया गया, विद्युत चुंबकीय तरंग वाला सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात करें, विद्युत चुंबकीय तरंग की हम बात करें, यह सिद्धांत दिया था मैक्सवेल ने। किसने दिया था भी, मैक्सवेल ने दिया था। और मैक्सवेल ने क्या कहा कि जो प्रकाश जो ऊर्जा है ये कहीं ना कहीं तीन चीजों से मिलकर बनी है, जहां से हम बात करना चाहें कैसे भी। इन्होंने कहा विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात क्या है, विद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, और तरंग कहीं ना कहीं क्या करती रहती है, संचरित करती रहती है। मतलब तरंग के संचरण के साथ दो अन्य क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और संबद्ध होते हैं। कैसे होते हैं भाई, चलो यहां से मैं बात करना चाहूं तो आप लोग नोटिस करना, सुनना भी, यहां से हम बात करना चाहें तो कुल मिला के कैसे रहते हैं, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और हम बात करें तरंग का संचरण, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। मैं अलग से समझा देता हूं आपको, हमने यहां से बात कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, यहां से हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र, और ये तरंग संचरण की दिशा, तरंग का हम बात करें तरंग का वेग, ठीक है। अब सुनना, यहां से हमने देखा कि ये जो है तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत, और किस प्रकार से हैं ये आप देख पा रहे हो, बिल्कुल इस तरीके से हमने बोला एक दूसरे के क्या होते हैं, ये लंबवत होते हैं। और सुनना भी, किस तरीके से हम अगर बताना चाहें, देखो मैं आपको थोड़ा और डिफाइन कर दूं, तो ये देखो मैं 3D बना नहीं पा रहा हूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बी फील्ड, और ये तरंग संचरण की दिशा में दोस्तों तरंग का क्या होगा, वेग होगा। अब आपको देखना, यहां से आप मुझे महसूस करना, मैं बिल्कुल विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह यहां से आपको थोड़ा एक्टिविटी करके दिखाता हूं। तो देखना भाई, अभी आप देखना इस डायरेक्शन में तरंग कहां चल रही है, इस दिशा में चल रही है। ये जो आपकी तरफ निकल रहा है, मान लो इसको क्या मान लिया आपने, विद्युत क्षेत्र, क्या मान लिया, विद्युत क्षेत्र। जो ऊपर है ये क्या मान लिया, चुंबकीय क्षेत्र, क्या मान लिया, चुंबकीय क्षेत्र। अब आप देखो दोस्तों, इस दिशा में, इस दिशा में तो क्या है, तरंग गति कर रही है, तरंग का वेग है, तरंग की गति की दिशा ये है, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र, और ऊपर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखना तरंग किस प्रकार से चलेगी, देखना, मैं तो आपकी तरफ देख रहा हूं, बाकी अपन यहां से फिर से नोटिस करना भाई, तरंग संचरण की दिशा, तो ये हम बात कर सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र और जो हमने चुंबकीय क्षेत्र की बात की, और साथ में दोस्तों हमने क्या बोला, विद्युत चुंबकीय तरंग, तो ये किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। किसने दिया था भाई, मैक्सवेल ने। वैसे अभी जो फिलहाल जो मॉडर्न है, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है भाई, मैक्सवेल का जो ये सिद्धांत है जिसकी हम बात कर सकते हैं, ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है भाई, सर्वाधिक मान्य मॉडर्न है भाई, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत। चलो भाई, इसका भी क्या ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। मैं आपको ऐसे ही जो विद्युत चुंबकीय तरंग का दिखा के कोई कर्तव्य नहीं दिखा रहा हूं, है ना। हाँ, तो मस्त हो के आप पढ़े भी, ठीक है। चलो भाई, ये बात भी हमने यहां से देखी।
अब दोस्तों हम यहां से बात करना चाहेंगे तरंग की अन्य प्रॉपर्टीज की बात करना चाहें। हमने ये तो कह दिया कि जो प्रकाश है, प्रकाश ऊर्जा की हम बात करें यहां से। हमने बोला कि भी प्रकाश ऊर्जा जो है कणीय प्रकृति की बनी है, कैसे बनी है, इन सब चीजों को चलो मैच द कॉलम एक पसंद करते हैं। यहां से आपको देखना है किस वैज्ञानिक ने क्या कहा था, एक मैच द कॉलम क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको करना है सभी को यहां पर मैच द कॉलम। दोस्तों ऐसा ना हो हाँ, सुनना भाई, मिलान करना है। दोस्तों मैं आपको देख पा रहा हूं सभी को स्क्रीन के आर पार, बिल्कुल ये कोई ऑनलाइन क्लास नहीं है, मैं आप सब लोगों को देख पा रहा हूं। आप लोग ऐसा करें, पेज और जो भी है आप अपना प्रॉपर नोट्स के साथ पढ़ें, ठीक है। जो भी डिटेल्स हो, जो भी क्वेश्चंस मैं साथ साथ करवाऊंगा, उससे एंगेजमेंट बढ़ता है आप और हमारा, ठीक है। बिल्कुल उसी प्रकार से आपको पढ़ना है। चलो भाई क्वेश्चन है, मैच द कॉलम सही मिलान करना है आपको। तरंग सिद्धांत, कण सिद्धांत, द्वैत प्रकृति और विद्युत चुंबकीय तरंग। बताना है किस वैज्ञानिक ने, ये पूछे हुए क्वेश्चन है, इस वजह से हम यहां पे मैच द कॉलम का आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ भाई, हाँ भाई मैच द कॉलम है। आप सभी को 30 सेकंड का टाइम है भाई, सभी लोग कीजिए भाई, ऑनलाइन क्लास नहीं है, बिल्कुल आपको ऑफलाइन क्लास की तरह एंगेजमेंट के साथ सभी वापस से कीजिए जो आपने पढ़ा उसको एक मिनट में रिवाइज। 30 सेकंड का टाइम है भाई सभी के पास, कीजिए भाई। चलो भाई देखते हैं इन क्वेश्चंस की हम बात करें यहां से। हाँ भाई सुनना, आपको क्या करना है, देखो यहां पे अलग से लिख सकते हैं, एक के साथ क्या आएगा यहां पे, देखो भाई तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तरंग सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने। एक के साथ क्या आ गया, सी आ गया। दो के साथ कण सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन बाबा ने दिया था। क्या है भाई, दो के साथ क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। द्वैत प्रकृति किसने दी थी, ड्वेल नेचर के बारे में किसने बताया था, डी ब्रोगली ने। तीन के साथ क्या आ गया भाई, डी ब्रोगली, डी आ गया तीन के साथ। अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय तरंग, तो दोस्तों फोर के साथ क्या आ गया, यहां से हम बात करें मैक्सवेल, तो फोर के साथ आ गया बी। तो कुल मिला के ये बात हम कर सकते हैं। वैसे बचपन में मिलाते थे, वैसे आप मैच द कॉलम ऐसे मिला सकते हैं। तरंग सिद्धांत हम बात करें किसने दिया, हाइजेनबर्ग ने। कण सिद्धांत न्यूटन बाबा ने दिया। द्वैत प्रकृति किसने दिया, डी ब्रोगली ने दे दिया भाई, ये हो गया। और विद्युत चुंबकीय तरंग, ऐसे भी आप मैच द कॉलम कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इंडिविजुअल अकेले अकेले कई बार पूछ लिया गया है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने सुना होगा कई बार प्रकाश तरंग को लेकर कुछ चीजें पूछी जाती हैं कि प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, ऐसे भी क्वेश्चन आपने जरूर देखे होंगे। तो ये बात भी हम यहां से कर लेते हैं, अनुप्रस्थ तरंग है कि अनुदैर्ध्य है, कैसी है। जो प्रकाश जो तरंग है, इसकी हम संचरण की प्रकृति को देखते हुए देखें तो ये किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। डायरेक्ट पूछा जाता है अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव क्या है भी, इसका मतलब क्या है, ट्रांसवर्स से क्या हम अर्थ समझ पा रहे हैं। दोस्तों ट्रांसवर्स से अर्थ इसका यह है कि जब ये तरंग संचरण करती है, जैसे मान लो तरंग संचरण की क्या है, दिशा ये है, तो हम यहां से बात करें, तरंग संचरण जब करती है तो इसके
जो जिस माध्यम में मान लो संचरण कर रही है, बिना माध्यम के भी संचरण कर सकती है, लेकिन दोस्तों जब संचरण करती है तो माध्यम के जो कणों का जो कंपन होता है दोस्तों, वो कंपन क्या होता है, संचरण की दिशा के लंबवत होता है। क्या होता है, संचरण की दिशा अगर ये है तो उसके लंबवत कंपन होता है किनका भी, माध्यम के कणों का। तो हम क्या बात कर सकते हैं, ट्रांसवर्स किनको कहेंगे भी, संचरण की दिशा के, संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के कणों का कंपन, के कणों का कंपन। अब कुछ लोग बोलेंगे यार सर मजा नहीं आया, क्या हम समझे नहीं किस तरीके से माध्यम के कणों का कंपन किस तरीके से, तो मैं आपको बताता हूं इस बात को समझाने के लिए। चलो भाई अब हमने क्या किया, ये कोई बेस है और यहां पे हमने क्या किया, एक रस्सी बांध ली और रस्सी बांध के लंबी रस्सी है और उसको ऐसे झटका दिया। जब रस्सी को हम झटका देते हैं तो रस्सी क्या आपने देखा है कुछ इस तरीके से चलती है क्या, अरे होता है कि नहीं होता, बिल्कुल जी हाँ। उसी प्रकार से हम बोलेंगे माध्यम के कणों का कंपन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैसी तरंग बोलते हैं, अनुप्रस्थ। या हम चलो ऐसे मान लें कोई लंबी स्प्रिंग है, हम ऐसा भी देख सकते हैं यहां पे कोई लंबी स्प्रिंग है, कोई लंबी सी स्प्रिंग है, बहुत लंबी, भाई ठीक से बना नहीं पा रहा हूं, चलो इसको मैं अलग से ही बना देता हूं, स्प्रिंग को डिफाइन हो जाएगी। ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, चलो भी अलग से दिखा देता हूं इसको कि भी कोई लंबी सी स्प्रिंग है, अगर लंबी स्प्रिंग है बहुत लंबी तो हमने उसको ऐसे दिया तो स्प्रिंग भी दोस्तों क्या ऐसे चलेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ। क्या बोलेंगे भी, अनुप्रस्थ बोलेंगे। दोस्तों थोड़ा सा बता देता हूं, स्पेशली हम बात करें तरंगों की, केवल अगर तरंगों की बात करें तो इसको लिए हमने अलग से चैप्टर और बनाया है अगर तरंग की बात करें, लेकिन दोस्तों मैंने बोला कि अभी अनुप्रस्थ क्यों है ये बात आप समझ गए होंगे। ऐसे ही आएगी एक अनुदैर्ध्य आएगी, क्या आएगी भी, अनुदैर्ध्य। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं बस मैं, अनुदैर्ध्य का, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का हिंट दे देता हूं क्या, अनुदैर्ध्य कौन सी होती है, अगर मान लो स्प्रिंग क्या होती, छोटी होती, और स्प्रिंग क्या है भाई, ये छोटी स्प्रिंग है। अब हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को खींचा, जब स्प्रिंग को खींचा तो स्प्रिंग खींच गई, उसके बाद क्या हो, जैसे ही छोड़ा स्प्रिंग ऐसे गति करती है क्या, हाँ बिल्कुल। जब माध्यम के कणों का कंपन दोस्तों आगे पीछे हो, तरंग संचरण की दिशा में ही हो रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, ये बात हम करेंगे। वैसे ध्वनि जो तरंग होती है, अनुदैर्ध्य कौन होती है, ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि जो तरंग होती है, साउंड जो वेव्स होते हैं वो ऐसी ही होती है। डन है, ये बात हमने यहां से की कि अनुप्रस्थ क्या है, अनुदैर्ध्य क्या है, इस बात को आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलो भी एक और बात, प्रकाश जो तरंग होती है ये अयांत्रिक तरंग है। कैसी तरंग है, अयांत्रिक। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश तरंग जो है अयांत्रिक क्यों है, अयांत्रिक, यांत्रिक तरंग। दोस्तों नॉन मैकेनिकल वेव है, कैसे है ये अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक का अर्थ होता है कि जो प्रकाश जो तरंग है बिना माध्यम के, अरे प्रकाश का संचरण बिना माध्यम के भी हो सकता है और माध्यम में भी हो सकता है, मतलब बिना माध्यम के संचरण हो सकता है, बिना माध्यम के संचरण हो सकता है, संचरण हो सकता है। और मैं तो ये कहूंगा बिना माध्यम के ज्यादा अच्छे से संचरण होता है। अरे ये आपको पता होगा, निर्वात में तो प्रकाश ज्यादा अच्छे से संचरण करता है, निर्वात में ज्यादा अच्छे से बजाय किसके, माध्यम के। तो हम यहां से बात करेंगे, प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में ज्यादा होता है, ऐसा ही है। और निर्वात में हम बात करें प्रकाश का वेग कितना ज्यादा होता है ये भी हम बात कर लेते हैं, सुनना भी यहां से। प्रकाश के वेग से रिलेटेड हम बात करना चाहें, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग कितना होता है, 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की वेग की स्टैंडर्ड वैल्यू है दोस्तों 3×8
3×10^8 मीटर प्रति सेकंड। ये दोस्तों निर्वात में बोले या वायु में बोले, प्रकाश का वेग यही होता है, या वायु में। वैसे इसे कभी कभी सी से डिनोट भी कर दिया जाता है, ऐसे सी से व्यक्त कर दिया जाता है। डन है भी। ये जो प्रकाश का वेग है, ये ज्ञात किया था वैज्ञानिक रोमर ने, ज्ञात किया था। किसने ज्ञात किया था? वैज्ञानिक रोमर ने। रोमर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ज्ञात किया था भाई। ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया था। अब दोस्तों सुनना भी, प्रकाश हमने ये तो बात कर ली कि निर्वात में इसका वेग ज्यादा होता है, और हम बात करें माध्यम में इसका वेग क्या होता है, कम होता है। ऐसा क्यों होता है? चलो इस बात को समझाने के लिए आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूं। आप लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो आप बिल्कुल खुले में विचरण कर रहे हैं, चल रहे हैं। अब आपको क्या किया गया, सड़क पे जहां बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, या स्विमिंग पूल की बात करें या तालाब की हम बात करें, उसमें आप चल रहे हो। तो दोस्तों एक बात बताओ, जब आप खुले में चल रहे हो तब आप आराम से तेज चल पाते हो, या पानी में आप तेज चल पाते हो? जाहिर सी बात है कि पानी की वजह से आपकी गति क्या होगी, धीमी होगी है। कुछ वैसा ही समझ लेना, समझने के हिसाब से बता रहा हूं। तो दोस्तों माध्यम जितना ज्यादा सघन होता है, उतना ही प्रकाश को चलने में क्या आती है, दिक्कत आती है। तो हमने क्या बोला, प्रकाश का जो वेग है सर्वाधिक किस में रहेगा, निर्वात में, और मान कितना रहेगा, 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड। तो हमने एक बात यहां से जरूर देख ली कि प्रकाश का जो वेग है माध्यम में क्या होगा भी, कम होगा। और जितना ज्यादा सघन माध्यम होगा उतना ही वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे हम बात करना चाहें, देखना भी, क्रम भी हम बनाना चाहें, प्रकाश का जो वेग है सर्वाधिक किस में बात करेंगे, निर्वात में, फिर हम बात किस में करेंगे, कहीं ना कहीं गैस में, फिर द्रव में, और फिर ठोस में। यहां से अलग अलग और एग्जाम्पल भी हम बना सकते हैं, गैस क्या है, द्रव क्या है, ठोस क्या है। कि भाई जैसे गैसों की हम बात कर रहे, द्रव में जैसे हम पानी वगैरह की बात कर ले, है कि नहीं, हम बात कर ले, ठोस में जैसे कांच की बात कर ले, तो इनकी भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे यहां से रियल कारण मैं आपको बताना चाहूं कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि जो माध्यम है, माध्यम में प्रकाश का वेग कम हो रहा है, तो इस बात को मैं थोड़ा अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूं। दोस्तों जिन लोगों ने कभी थोड़ी बहुत पढ़ाई की हो, उन लोगों को मैं यहां पे याद दिला देना चाहता हूं कि एक अपवर्तनांक एक वर्ड होता है। माध्यम की जो सघनता होती है ना भाई, माध्यम की सघनता अपन किससे देखते हैं, अपवर्तनांक से। किससे भी, अपवर्तनांक से। अब वर्तनांक या म्यू, ठीक है, ये म्यू वास्तव में रियलिटी में हम देखें तो इसको हम टेक्निकली देखें या हम इसका मैथमेटिकली अप्रोच पे हम जाना चाहें, तो जो म्यू होता है, म्यू को कैसे डिफाइन किया जाता है, म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी। मतलब क्या है भी, सी का अर्थ क्या होता है भी, निर्वात में प्रकाश का वेग, वी का अर्थ क्या होता है, माध्यम में प्रकाश का वेग। हम यहां से बात कर सकते हैं, सुनना भी, ये क्या है भी, निर्वात में प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग। और हम क्या बोलेंगे, ये क्या है भी, माध्यम में, जिसमें भी हम पता करना चाहते हैं, माध्यम में प्रकाश का वेग। और म्यू क्या है, देखो म्यू जो अपवर्तनांक है, ये कहीं ना कहीं हर जो पदार्थ है उसका क्या रहता है, फिक्स रहता है। ये क्या है भी, अपवर्तनांक है। और इसके लिए क्या होता है, एक नियतमान होता है, समझ रहे भी। इसका सहारा लेके हम वास्तव में रियल कारण का पता हम लगा सकते हैं। अरे डन है क्या, चलो ये बात। और अगर अपवर्तनांक की हम परिभाषा के भी ऊपर जाना चाहें, तो क्या आप इसको पढ़ के बता सकते हैं कैसे, निर्वात में प्रकाश का वेग तथा माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। और अपवर्तनांक अगर सीधे सीधे शब्दों में हम कहें तो किस बात को बताता है, अपवर्तनांक बताता है दोस्तों यहां से माध्यम की सघनता को बताता है। कैसे, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, इसका अर्थ है वो माध्यम उतना ही ज्यादा क्या है भी, सघन है। कैसे भी, आपको यहां से मैं इस रिलेशन से अगर मैं पता करना चाहूं तो देखना भी,
म्यू क्या आ रहा है, सी अपॉन वी आ रहा है, जाहिर सी बात है। अब जो सी है, सी तो क्या रहेगा, नियतमान है, और जो नियत है कॉन्स्टेंट है, तो हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, म्यू समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती किसके भी माध्यम में वेग की, ये बात हम कर सकते हैं। दोस्तों कोई चीज अगर मान लो ये ऊपर है और बटे के ऊपर ही आती है तो उसको बोलते हैं समानुपाती, लेकिन ये कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, तो इसको बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे, ठीक है। इसका अर्थ सीधा सीधा क्या है, ये भाग में राशि है कौन, अभी माध्यम में वेग है, अगर ये राशि भाग में देने वाली राशि बढ़ेगी तो ये राशि क्या होगी भी, कम होगी। तो बिल्कुल यही बात है, इन दोनों का क्या है भाई, उल्टा रिलेशन है। म्यू का मान, ये मान कम आएगा तो क्या है, वेग क्या रहेगा भाई, ज्यादा आएगा। और अगर वेग कम कब आएगा, जब म्यू क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। मतलब कुल मिला के हम बात कर सकते हैं, देखो ये क्या है भाई, सघनता। अरे माध्यम जितना ज्यादा, दोस्तों यहां से हम बात करें, देखो सघनता कम तो वेग क्या रहेगा, ज्यादा। और यहां से हम बात करें सघनता, माध्यम जितना ज्यादा सघन रहेगा तो वेग क्या रहेगा, कम। मतलब इनका क्या रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, ये हम यहां से पता लगा सकते हैं। इज इट क्लियर और नो, अरे बात समझ में आ रही क्या। चलो मैं आपको डेटा के हिसाब से भी ये क्वेश्चन एक बार करवा के देखते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डेटा के हिसाब से भी कर सकते हैं। दोस्तों बेहद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, हाँ याद रहे, जो लोग वास्तव में कंप्लीट साइंस हमसे पढ़ना चाहते हैं और बिल्कुल चाहते हैं कि हम बेहतर से बेहतर पढ़ें, तो हमारा पेड कोर्स लेने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है 7424948900। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कहीं ना कहीं मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें पेड कोर्स चाहिए, ठीक है, और बाकी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। 7424948900 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलो इस यात्रा को हम कंटिन्यू करते हैं, ऐसा मैं क्वेश्चन आपसे करवाता हूं। चलो क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि ऑर्डर सेट करना है कि प्रकाश के वेग का, मैं निर्वात और वायु को एक ही मान लेता हूं यहां पे, ठीक है। हाँ भाई बताना है आप लोगों को, मेरे ख्याल से आप बिना अपवर्तनांक की जानकारी लिए भी बता सकते हैं क्या है भी गैस है या निर्वात है, फिर क्या है द्रव है, फिर क्या है भी ठोस है। तो हम यहां से बात करेंगे सबसे ज्यादा किस में रहेगा वेग, निर्वात में, फिर किस में रहेगा द्रव में, और फिर किस में ठोस में। तो ये क्रम हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं, लेकिन अगर जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से हम अगर इसको करना चाहें तो दोस्तों देखना, इनके मैं अपवर्तनांक की बात करूंगा, यहां से आपने सुना होगा ये भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं, अगर मैं इनके अपवर्तनांक की बात करना चाहूं तो अपवर्तनांक किसका कितना होता है, सुनना, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, कांच का जो म्यू होता है कितना होता है, 3/2 या जिसको 1.5 बोल सकते हैं। जल का कितना होता है, जल का होता है 4/3 या इसको बोल सकते हैं 1.33 बोल सकते हैं, डन है। अगर निर्वात की बात करें, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, हम लगभग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ यहां से भी, जिसका जो वेग है, यहां से हम बात करें जैसे जैसे देखो अपवर्तनांक बढ़ता जा रहा है, क्या अपवर्तनांक, सघनता जितनी ज्यादा होगी वेग उतना ही कम होगा। अगर यहां पे और मैं सेट कर देता, सपोज यहां पे और हम ले लेते, एक एग्जांपल और ले लेते, जैसे बात करें हीरा, क्या है भी हीरा, भाई ये जो हीरा है ये डायमंड की बात हो रही है, ये वो मामा ठाकुर, वो कौन सी मूवी है, हीरा ठाकुर नहीं है, है ना, हीरा जो है हीरा ठाकुर नहीं है, सूर्यवंशम वाला वो हीरा ठाकुर नहीं है, डायमंड की बात हो रही है। और इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, अरे डन है क्या। तो हम यहां से देख सकते हैं इनके अपवर्तनांक का जो क्रम है ये भी हम यहां से देख सकते हैं, वेग का क्रम भी हम यहां से देख सकते हैं। अपवर्तनांक के क्रम की अगर बात की जाए, देखो अपवर्तनांक का क्रम क्या है, उल्टा है। अरे माध्यम की सघनता की बात हो रही है, अपवर्तनांक का क्रम अर्थात क्या है, माध्यम की सघनता है,
और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि अगर आप लोग अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वेग तक निकाल सकते हैं कि कितना वेग रहेगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कांच में प्रकाश का वेग क्या होगा। चलो भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस आपने बहुत किए होंगे, बिल्कुल सिंपल लल्लू टाइप का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। प्लीज डोंट माइंड अगर किसी का नाम लल्लू है या उनके पेरेंट्स का नाम लल्लू है, ये जस्ट फॉर फन, ठीक है। हाँ, जैसे चलो आपको सभी को पता है कि म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन क्या होता है, वी होता है, ठीक है। अब डायरेक्टली आपको कोई डेटा याद है कि नहीं? देखो आपको डेटा को याद है कि भाई म्यू जो है किसका भी, कांच का जो म्यू होता है वो कितना होता है, यहां से हम बात करें 3/2 होता है, या हम बात कर ले कितना होता है, मतलब 1.5 होता है, डन है। अब आप क्या इसमें से नहीं निकाल सकते क्वेश्चन, कांच में प्रकाश का वेग नहीं निकाल सकते? भी देखो आपको यहां से निकालना है वी क्या है भी, माध्यम में प्रकाश का वेग। तो आपको देखो वी की जगह मैं क्या रख देता हूं, वी यहां से, और फिर हम देखो ये म्यू कहां चला जाएगा, सी अपॉन क्या हो गया भाई, म्यू हो गया। भी कांच में आपको अगर प्रकाश का वेग निकालना है, कांच में वेग तो कैसे निकाल देंगे, सी प्रकाश का जो निर्वात में वेग फिक्स होता है कितना होता है, 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड, ये होता है। अरे डन है क्या? और म्यू की हम बात करना चाहें यहां से, म्यू कितना है, 3/2 है, तो लो भी 3/2 की हम बात कर लेते हैं, 3, और जो बटे वाला कहां ले आते हैं, ऊपर ले आते हैं, लो भाई ठीक है। अब देखो 3 से 3 ये कट गया भाई, कितना आ गया, 2×10^8 मीटर प्रति सेकंड। अरे हमने तो पहले ही कहा था कांच में प्रकाश का वेग क्या होगा, कम होगा। मैं यहां से बात करूं कि आप इजीली, मतलब आप आराम से सारों को बैलेंस करके देख सकते हैं किसमें कितना है, बिल्कुल सिंपली। देखो आप दिमाग लगाइए अपना, यहां से मैं बात करूं, देखो वायु की मैं बात करूं, जल की मैं बात करूं, कांच की मैं बात करूं, आप बकायदा ये सभी के लिए कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे वगैरह में, तो कई बार पूछ लिए गए हैं ऐसे क्वेश्चन। यहां से मैं बात करूं, देखो वायु का म्यू आपको पता है क्या, जल का म्यू आपको पता है क्या, 4/3, या जिसको अपन बात कर लें 1.33, और यहां से कांच का म्यू तो अभी आपने अभी अभी जस्ट किया ही है 1.5। देखो कांच का तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 2×10^8 मीटर प्रति सेकेंड ये वेग। यहां से आप आराम से कर सकते हैं, क्या करेंगे आप यहां पे करेंगे, वायु में वेग निकालेंगे तो क्या करेंगे, सी अपॉन जो है म्यू, तो सी कितना है यहां पे, 3×10^8, और यहां पे म्यू कितना है, 1, तो कितना आ जाएगा, 3×10^8। यहां से हम बात करना चाहें तो आपने क्या कर दिया भाई, लीजिए बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, यहां से वही सी अपॉन क्या आ गया भाई, म्यू आ गया, उल्टा रिलेशन तो है ही, वेग निकालना है तो वही 3×10^8, और म्यू कितना है यहां से, अपवर्तनांक कितना है, 4/3, तो यहां से बटे 3 वाली राशि को हम क्या ले आते हैं, ऊपर ले आते हैं। लो भी हमने क्या देखा भी, 9/4×10^8 आ रहा है, तो ये आ गया भाई 2.25×10^8 मीटर प्रति। कैसे भी करें, कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता भाई। साइंस दोस्तों बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, और आप इसको अगर बहुत अच्छे से अगर लर्न करते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी आपके दिमाग में सेव रहेगी। तो ये बात हम यहां से कर सकते हैं, देखो 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड, 2.25 और 2 लगातार कम होता गया, डेटा तक हमने यहां पे निकाल लिया है, तो आप बहुत अच्छे से इन चीजों को देख सकते हैं। अरे क्लियर है क्या? चलो भाई ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे हम बात करें कई बार दोनों में तुलना की जाती है, कोई गर्म चीज की बात की जाती है और उसकी ठंडी चीज की, तो हम यहां से बात करें गर्म वायु। देखो गर्म वायु क्या होती है, हल्की होती है, आपने देखा होगा ऊपर उड़ती है गर्म वायु, गर्म वायु में वेग क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, बजाय किसके, ठंडी वायु के। गर्म जल में वेग ज्यादा रहेगा बजाय किसके, ठंडे जल के। आपको पता है जब आप जल को गर्म करते हैं तो दोस्तों लगातार जल ऊपर उठता रहता है क्या, तो जो जल दोस्तों हल्का हो जाता है दोस्तों, हम बात करेंगे उसमें कहीं ना कहीं क्या होने लगता है कि जो कण थोड़े दूर दूर होने लगते हैं, तो ये बात भी हम यहां से कर सकते हैं। अरे डन है दोस्तों, हमने बोला कि प्रकाश जो तरंग कैसी थी, फिर से याद रख लेना यहां से, प्रकाश जो तरंग थी ये निर्वात में भी गति कर लेती है, कैसी थी, अयांत्रिक थी,
और दोस्तों ध्वनि तरंग जो है, ध्वनि तरंग कैसी है? यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैकेनिकल वेव है। और यांत्रिक तरंग का अर्थ क्या होता है? केवल माध्यम में गति, केवल माध्यम में गति, माध्यम में संचरण, अर्थात जहां माध्यम नहीं होगा वहां पे कहीं ना कहीं हम बात करेंगे ध्वनि जो तरंग है उनका संचरण नहीं होगा, अर्थात हम बात करें निर्वात में संचरण नहीं होता, अर्थात जहां पे वायुमंडल नहीं है वहां पे संचरण नहीं होता। इसी वजह से हम बात करें चंद्रमा, चंद्रमा पे क्या होता है? कोई संचरण नहीं होता है किसका भी, ध्वनि तरंग का। तो चंद्रमा पे हम बात करें, चंद्रमा पे हम बोले नो साउंड, कोई साउंड नहीं सुनाई देगी भी, चंद्रमा पे आवाज सुनाई नहीं देती है, केवल आपको होठ हिलाते हुए तो दिखाई देंगे लेकिन दोस्तों आवाज सुनाई नहीं देगी क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। डन है? चलो भाई एक बार देखना भी, पिछले दिनों से यार गले में दर्द हो रहा है। दोस्तों देखिए किसी भी टीचर की कीमत उसका स्टूडेंट तय करता है। आप अगर अपना लेवल इंप्रूव करेंगे और आप अपने साथियों से जो वास्तव में गुणवत्ता के शौकीन हैं और जो वास्तव में चाहते हैं कि रियल साइंस क्या है, तो दोस्तों बेशक आप हमसे जुड़ें और दोस्तों अपने आप को बेहतर बनाएं, अपने पेरेंट्स का, अपने परिवार का, समाज का और भारत देश का नाम रोशन करें। ठीक है भाई, चलो देखते हैं आगे। जैसा कि आपको पता है भी चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, चलो ये बात ही हमने यहां से की है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, देखिए हम बात करना चाहें जैसे क्या होता, सुनना। चंद्रमा पर जो होता है पलायन वेग, पलायन वेग जो होता है 2.41 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब क्या है इसका? दोस्तों अगर मान लो किसी ग्रह से हम वस्तु को फेंके और इतने वेग से फेंके कि वो वापस ही ना आए, पलायन कर जाए, है कि नहीं भी? हाँ। तो दोस्तों यहां से हम बात करें जैसे गर्ल्स का पलायन वेग कितना होता है, भाई बॉयफ्रेंड के पास कम से कम गाड़ी तो हो, अच्छा मकान हो, तो भाई कई बार क्या होता है घर छोड़ के पलायन ही कर जाती, यू नो, हाँ जस्ट फॉर फन। हाँ, तो हमने बोला कि चंद्रमा पर पलायन वेग क्या होता है, इतना होता है 2.41 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर मैं पृथ्वी पर हम बात करना चाहें, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों एक किलोमीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड नहीं है, तो लोचे में आ जाओगे अगर मीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड यहां से हम बात कर सकते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि चंद्रमा पे पलायन वेग क्या है, अभी बहुत कम है, 2.41 किलोमीटर प्रति सेकंड। और चंद्रमा पर जो गैसों का जो वेग होता है, गैसों का जो वेग होता है, गैसों का वेग या वर्ग माध्य मूल वेग बोल सकते हैं, वो कितना होता है? 2.45 यहां से किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब गैसों का वेग ज्यादा है और पलायन वेग कम है, तो वो पलायन कर जाती है कि नहीं? तो ये बातें भी हम यहां से याद रख सकते हैं। अरे डन है क्या दोस्तों? किलोमीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड आपको इसको नहीं मानना है, डन है? तो ये बात भी हमने यहां से की, क्लियर है। चलो हम और चीजें देखते हैं दोस्तों, लाइट के बारे में क्या क्या होती है, प्रकाश जो तरंग से रिलेटेड और पॉइंट हम यहां से कंसिडर करते हैं। चलो भाई प्रकाश जो तरंग है, अगर ये अकेली रे है तो इसको क्या बोलते हैं? भी देखो प्रकाश की हम बोल सकते हैं कि ये अकेली, इसको बोलेंगे रे, किरण बोल देंगे, क्या बोल देंगे इसको? किरण बोल देंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसे किरणें हैं तो इनको बोलते हैं बीम, रे बीम। और ये जो रे बीम है, ये बीम है जो प्रकाश का जो पुंज है, किरण पुंज है, ये क्या है भी? पैरेलल है, समांतर है, तो इनको समांतर किरणें भी बोल सकते हैं या इनको पैरेलल बीम भी बोल सकते हैं। ऐसा हम बोल सकते हैं, डन है क्या? बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम प्रकाश किरणों की हम बात करना चाहें, अगर ये एक जगह इकट्ठी हो रही हैं,
इकट्ठी होने को क्या बोलते हैं? अभिसारी। तो इनको हम बोल सकते हैं अभिसारी किरणें। इनको वैसे अपन क्या बोलेंगे, भी कन्वर्ज हो रही हैं तो इनको बोलेंगे कन्वर्जिंग रेज। कन्वर्जिंग रेज डन है क्या? अगर हम यहां से बात करना चाहें, अगर मान लो ये फैल रही है तो इनको क्या बोल देंगे? अपसारी। अपसारी डाइवर्जिंग रेज डन है। तो ये बात हम यहां से कर सकते हैं। हाँ भाई 30 सेकंड का आपके पास टाइम है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर ले। चलो भाई, अब दोस्तों यहां से हम देखते हैं कि जो प्रकाश के बारे में और हम क्या क्या बात कर सकते हैं। दोस्तों प्रकाश तरंग जो होती है, अगर मान लो किसी माध्यम से निकल रही है तो उस माध्यम को अफेक्ट करती है कि नहीं करती, उस माध्यम को प्रभावित करती है कि नहीं करती, और चलती है तो किस प्रकार से चलती है। तो दोस्तों प्रकाश तरंग के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। प्रकाश जो तरंग है, प्रकाश तरंग की बात करें, प्रकाश किरण की बात करें, तो इसका जो पथ होता है वो कैसा होता है? सरल रेखीय, सरल रेखा में गमन होता है भी। सरल रेखीय गमन इसको हम कह सकते हैं, सरल रेखीय गमन करती है और जिस माध्यम से निकल रही है उस माध्यम को प्रभावित नहीं करती है भी। जिस माध्यम से संचरण होता है उसे प्रभावित नहीं करती है। जिस माध्यम से संचरण हो रहा है होता है उसे प्रभावित नहीं करती। तो ये बात भी हम यहां से कर सकते हैं। डन है क्या भाई? चलो हम देखते हैं कि जो प्रकाश जो तरंग है, तो दोस्तों तरंग होता है तो तरंग के लिए एक वर्ड और आता है, तरंग दैर्ध्य, या जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। उसके बारे में अब हम यहां से चर्चा करते हैं कि जो प्रकाश जो है, ऊर्जा है, इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, क्या नहीं होता है। वेवलेंथ मैं सिंपली थोड़ा सा यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे पर्टिकुलर तरंग में सारी बातें हम कर लेंगे, फिर भी थोड़ा सा समझाने की बात करूंगा भाई। प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सुनना भी। मान लो भी ये क्या है भाई, प्रकाश की जो तरंग है, सुनना भी। वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य मतलब दोस्तों हम बोलेंगे तरंग की लंबाई। एक प्रकार से हम क्या बोलेंगे भी, तरंग की लंबाई। और याद रहना ऐसे क्वेश्चन जो ग्रुप डी में पूछे गए हैं, तरंग की लंबाई है और लंबाई को मापने का मात्रक, तो दोस्तों क्या रहेगा? एसआई मात्रक की हम बात करना चाहें, एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक क्या रहेगा? लंबाई को, दूरी को मापा किसमें जाता है? मीटर में। एसआई मात्रक रहेगा मीटर में। लेकिन दोस्तों वेवलेंथ जो होती है कहीं ना कहीं जो बहुत कम होती है, तो इसको डिनोट करने के लिए किसका सहारा ले लिया जाता है? एंगस्ट्रॉम का। किसका भी? एंगस्ट्रॉम का। तो हम यहां से बात करें 10^-10 मीटर को क्या कहा जाता है? एक एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। अगर 10^ हम बात करें 9 मीटर को क्या कहा जाता है? नैनोमीटर कहा जाता है। तो ये हम अतिरिक्त जानकारी है जिनको हम काम में ले लेंगे। सुनना भी, तरंग की लंबाई की बात हो रही है, तरंग कितनी लंबी है इस बात को किससे डिनोट किया जाता है? तरंग दैर्ध्य से, वेवलेंथ से बताया जाता है। तो मैं अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। देखना भाई, तरंग इसी को बोलते हैं भाई। अरे आपने देखा होगा ऐसे जो लहर, आपके बोलते हो यार तरंग की तरह हो रही है भाई, तो ये वेव की तरह मोशन हो रहा है। तो ये हमने बोला, देखो एक बार दोस्तों सरंग फिर गर्त, तो हमने देखा इसको बोलते हैं ऊपर की तरफ उठाव को क्या बोलते हैं भाई? सरंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सरंग। और इसको क्या बोलेंगे? गर्त। ठीक है, तो हमने देखा ये तरंग यहां से यहां तक, इसको क्या बोल दिया भाई? एक तरंग है क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर मैं इस चीज को दोबारा से आपको अच्छे से समझाना चाहूं, देखना अलग अलग चीजों में आप इसको महसूस करना,
तो क्या दोस्तों, हम यहां से यहां तक की दो सुरंगों के बीच की दूरी जो हम लेते हैं, इसको अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन की मैं बात करूं तो क्या यह भी उतनी ही है दोस्तों? अरे जाहिर सी बात है, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी क्या है दोनों सुरंगों के बीच की दूरी, और उतनी ही दूरी क्या है भाई दोनों गर्तों के बीच की दूरी। तो कभी तरंग दैर्ध्य से रिलेटेड बात आ जाती है, तरंग दैर्ध्य क्या है? तो दो सुरंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी। तो ये भी बात हम यहां से कर सकते हैं कि दो सुरंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी। इसको क्या बोल सकते हैं? तरंग दैर्ध्य। अब लेकिन सुनना भी, ये जो तरंग की लंबाई है प्रकाश में जो क्या है, ये कहीं ना कहीं अलग अलग रंग के लिए वेरी करती है दोस्तों। जो हम बात करें अलग अलग जो रंग की जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, वो कहीं ना कहीं हम बात करेंगे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के कारण ऐसा हो रहा है। तो उसको हम देखते हैं, तरंग दैर्ध्य की एक रेंज होती है, एक कोटि है, रेंज है। प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है उसकी एक रेंज है स्पेशल, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य इसकी एक रेंज है दोस्तों। रेंज कैसे? मतलब इसका होता है 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन। देखो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डेटा वेरी कर सकता है, थोड़ा बहुत डेटा अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि यहां पे 3800 एंगस्ट्रॉन से लेकर आपको बोला जाए 7800 एंगस्ट्रॉन। इज इट क्लियर? हो सकता है नैनोमीटर में दे दे आपको 400 नैनोमीटर से, यहां से हम बात करें 780 नैनोमीटर, ये भी बात की जा सकती है। इज इट क्लियर? और नो, चलो भाई हम देखते हैं यहां से। अब दोस्तों सुनना भी, ये जो अलग अलग जो रेंज आपको दी गई है, प्रकाश में क्या होते हैं? कलर्स होते हैं। अलग अलग रंग की जो तरंग दैर्ध्य क्या होती है? अलग अलग होती है। तो मैं आपको रेंज जरूर बता देता हूं। तो दोस्तों सुनना, यहां से जैसा कि आपको पता है कि प्रकाश में जो कौन कौन से रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश जिसको कहा जाता है वो कौन कौन से कलर से मिलकर बना होता है, ये एक बार देख लीजिए भी। श्वेत प्रकाश जिसको हम कहते हैं, श्वेत प्रकाश जो अभी जैसे मान लो ट्यूबलाइट की जो लाइट आ रही है मेरे ऊपर आ रही है, या जैसे आप जहां पे बैठे हैं दोस्तों नॉर्मली जो सूर्य की प्रकाश है, या जो नॉर्मल जो प्रकाश होता है एक रंग का नहीं, श्वेत प्रकाश जो, तो दोस्तों हम यहां से बात करेंगे ये कितने रंगों से मिलकर बना होता है। सब लोगों ने बचपन से बहुत पढ़ा होगा भाई विबग्योर, क्या है भाई विबग्योर? यहां से मैं बात करूं दोस्तों, ये क्या है भाई वोलेट, ये क्या है इंडिगो, ये क्या है भाई ब्लू, ये क्या है भाई ग्रीन, ये क्या है येलो, ये क्या है भाई ऑरेंज, और ये क्या है रेड। तो यहां से हम बात कर सकते हैं, इसको बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलेंगे भी? विबग्योर। आपको याद रखना है तो ऐसे आप बोल सकते हैं विबग्योर, ठीक है? हाँ, इसको हम हिंदी में भी बोल सकते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है बेनी आह पिनाला, बी से क्या बन गया बैंगनी, नैसे नीला आसमानी, यहां से है से हरा, और इससे क्या बन गया पीला नारंगी और लाल। तो कुल मिला के दोस्तों प्रकाश जो है सात रंगों से मिलकर बना होता है, और ये जो सात रंग हैं ये मैंने आपको यहां पे डिफाइन कर दिए हैं विबग्योर, जो सात कलर से बनकर कौन बना होता है? प्रकाश बना होता है, ठीक है? अब होता क्या है इस प्रकाश की हम बात करना चाहें, जैसा अभी अभी मैंने तरंग दैर्ध्य की बात की, तो तरंग दैर्ध्य की बात करें तो सबसे कम तो तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? वायलेट की होती है, और फिर हम बात करें सबसे ज्यादा किसकी होती है? रेड की होती है। तो ये बात भी हम यहां से कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार।
दोस्तों लगातार मेहनत करते रहिए, याद रखना जो आपको पसंद है जिंदगी में वही आपको मिलता है। अगर आप अभी अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं और आप अगर चाहते हैं कि हमें भी बेहतर करियर बनाना है, जैसा कि आप सभी को पता है पिछले दिनों में हम सब लोगों ने मिलकर अभियान चलाया, आंदोलन चलाया वैकेंसीज के लिए, और अब वैकेंसीज आ भी गई हैं। अगर वैकेंसीज आने के बाद भी हम सेलेक्ट नहीं होते हैं तो फिर उसके जिम्मेदार केवल और केवल आप होंगे, केवल और केवल आप होंगे। फिर किसी सहानुभूति, किसी सहानुभूति या फिर किसी भी जो मतलब बहाने के ऊपर मत ठहरना आप लोग, ठीक है। हाँ, यहां से हम बात कर रहे हैं। चलो भाई देखते हैं, हमने बोला भाई प्रकाश जो है कितने रंगों से मिलके बना है, सात रंगों से मिलके बना है। और थोड़ा सा हिंट भी मैं आपको दे दूं, इन सात रंगों में हमने अभी अभी जो बोला था विबग्योर, क्या बोला था विबग्योर, जो बोला था विबग्योर की हम यहां से बात करना चाहें, जो सबसे कम और सर्वाधिक जो तरंग दैर्ध्य की हम बात करना चाहें, सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य किसका है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी। दोस्तों याद रखना, वैसे ये जो तीनों रंग हैं मिलते जुलते हैं, कई बार अपन डायरेक्ट बोल देते हैं नीले रंग का तरंग दैर्ध्य, तो वो भी कई बार ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाता है, सही हो जाता है। क्योंकि देखो बैंगनी इंडिगो, इंडिगो वैसे रियल माना जाए तो नील, आपने जो देखिए कपड़ों में जो नील दी जाती है उसको बोलते हैं इंडिगो। तो यहां से हम बात करें, और जो ये क्या है भाई ब्लू है, तो ये मिलते जुलते से क्या है भाई कलर है, तो ये लगभग नीले रंग में रखे जाते हैं, तो कई बार डायरेक्ट भी बोल दिया जाता है। तो ये क्या है भाई बैंगनी रंग का सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य है, यहां से हम बात करें, और सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसका रहेगा, रेड का। किसका है भी, रेड का है। तो इस वजह से हमने बोला कि प्रकाश की जो तरंग है, जो दृश्य जो प्रकाश हम बात करते हैं, जो हम श्वेत प्रकाश की बात करते हैं, उसका तरंग दैर्ध्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रोम होता है। और ये ऐसा क्यों है, अलग अलग रंगों की भी बात हमने यहां पर कर ली है। अरे डन है क्या। अब दोस्तों सुनना भी, मैंने आपसे कहा कि भी सात रंगों को बना है, इस बारे में किसने एक्सपेरिमेंट किया, आरआरबी जी में पूछा क्वेश्चन कि प्रकाश सात रंगों से मिलकर बना है, यह बात किसने बताई, तो यह बात बताई थी न्यूटन बाबा ने बताई थी। और कैसे बताई थी, इस बात को भी बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। देखते हैं भाई कैसे बताई थी उन्होंने। ऐसे उन्होंने एक चकती ली भी, क्या ली, चकती ली, और इस चकती की हम बात करें, इस चकती में अलग अलग कलर लिए भी ऐसे, ठीक है भी देखते हैं। ऐसे उन्होंने क्या कर लिए भी, अलग अलग कलर चूज कर लिए इस चकती में, उदाहरण के तौर पे बना रहा हूं बस मैं ऐसे, इसमें हम ठीक से क्या दिखा नहीं पाएंगे। ऐसे उन्होंने क्या कर लिए भी, अलग अलग कलर बना लिए ऐसे, और अलग अलग कितने रंग रखे भी, सात रंग, कितने रंग रखे, सात। भी सात रंग की क्या बनाई, चकती बनाई, डिस्क, सात रंग की क्या बना ली भी, डिस्क बनाई। और ये जो डिस्क थी, इसको उन्होंने एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया इन्होंने कि भी जब तक हम बात करें एक सेकंड में इससे क्या लगा दी भी, 16 चक्कर इस डिस्क को घुमा दिया। और जब एक सेकंड में 16 चक्कर आए तो दोस्तों ये अलग अलग रंग की जो सात रंग की जो बनी हुई थी, इस बात को डिफाइन किया था भाई न्यूटन बाबा ने। दोस्तों हम यहां से बात करें, क्या बोला था न्यूटन ने, न्यूटन ने प्रकाश के सात रंगों के ऊपर क्या किया था, प्रकाश के सात रंगों का अध्ययन व प्रयोग किया था भी, और किससे पता लगाया था, जे चकती से, डिस्क से पता लगाया था। अगर एक सेकंड में चकती को 16 बार घुमा दिया जाए तो ये क्या हो जाती है, 16 चक्कर लगने के बाद ये कैसी दिखाई देने लगती है, श्वेत दिखाई देने लगती है। इज इट क्लियर और नो, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, इसको दूसरे शब्दों में हम बताना चाहें, अर्थात प्रति सेकंड,
प्रति सेकंड कितने चक्कर लग जाएं? 16। तो वो चीज हमें क्या कैसी दिखाई देने लगी? भी ये श्वेत दिखने लगी। इसका अर्थ क्या था कि 1/16 सेकंड, क्या भाई, 1/16 सेकंड तक, 1/16 सेकंड तक हमारी जो आंख पर है किसी इमेज का क्या रहता है, प्रभाव होता है। जैसे मैं यहां से बात करूं, मैंने किसी चीज को देखा और यहां से जैसे आप सब लोग क्लास में बैठे थे तो मैंने देखा यहां पे इस प्रकार से देखा कि जैसे 1 सेकंड में अगर मैंने जैसे 16 लोगों को देखा तो मेरी आंख पर आपकी जो इमेज है प्रॉपर रूप से सेव नहीं हो पाएगी भी, समझ रहे हो? मतलब जो एक इमेज का जो है प्रभाव कितना रहता है, 1/16 सेकंड तक, ठीक है। हाँ, हम यहां से बात करें तो इस चीज का प्रयोग भी किया जाता है, 1/16 सेकंड तक इमेज का प्रभाव रहता है। इमेज या हम बात करें दोस्तों प्रतिबिंब का प्रभाव, कहां भी, आंख पर, आंख पर। और इसी वजह से क्या होता है कि जो मूवीज होती हैं जिनको हम बालते मूवीज की जो शूटिंग होती है वो लोग क्या करते हैं, वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं भी, क्या करते हैं वो, 16 जो इमेज है, 16 जो चित्र हैं, इनको हम बात करें 16 चित्र से अधिक चलाते हैं, कितने भी, 1 सेकंड में। अगर 1 सेकंड में 16 चित्र से ज्यादा चलाया तो अलग अलग जो इमेज है वो हमें लगेगी कि भी एक साथ चल रहा है। इसी वजह से हम क्या बोल देते हैं इसको, चलचित्र बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? चलचित्र। किसमें भी? मूवीज जो होती है, मूवीज की जो शूटिंग होती है भाई, मूवीज की जो शूटिंग है उसका कॉन्सेप्ट यही है। एक्टर ने एक बार किया ऐसे एक फोटो, दोबारा ऐसे किया दो, तो कुल मिला के इतनी सारी जब आप एक साथ चला देंगे तो आपको लगेगा ये चलता हुआ चित्र लगेगा। ये प्रयोग किसने किया था? न्यूटन बाबा ने किया था। याद रखना, आरआरबी जे का क्वेश्चन है कि प्रकाश के सातों रंगों का प्रायोगिक जो है, एक्सपेरिमेंट जो है, जो प्रयोग जो किसने किया था, न्यूटन ने किया था। अरे डन है क्या? तो ये बात हम यहां से कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नो? अब दोस्तों हम देखेंगे कि कोई वस्तु हमें दिखाई क्यों देती है, और दिखाई देती है तो फिर अलग अलग रंग की क्यों दिखाई देती है, और कोई वस्तु किस रंग की दिखाई देगी, इन चीजों का हम पता लगा सकते हैं। चलो तो भाई ये बात हम यहां से देखेंगे।